everyone, good morning and welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है. दिन की शुरुआत में काफी सारे काम हमने निपटा भी दिए हैं ऑलरेडी. तो टेरिस पे पूरा झाड़ू लगा दिया है क्योंकि मौसम बहुत खराब है और पत्ते ही पत्ते हो गए थे. और अगर उनको नहीं हटाते हैं तो ड्रेनेज जो होता है हमारा उसमें फंस जाते हैं वो, और पानी फिर टेरिस पे जमा हो जाता है. इसलिए हमने सारे काम निपटा दिया सुबह सुबह ही. और अभी 7:30 हो गए. 8:30 बजे आज हमको निकलना भी है. कहीं जाना है हमको तो फटाफट से काम निपटाते हैं. झाड़ू मैंने लगा दिया. आज पोछा नहीं लगाऊंगी मैं. फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, नहाना है, पूजा करनी है और उसके बाद निकलना है. तो मिलते हैं आपको इसी सब काम करने के बाद. तो फ्रेंड फाइनली मैं पूजा कर रही हूँ अभी और उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है और फिर हम निकलेंगे. आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम. अभी फटाफट से पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ. तो फ्रेंड यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट. अनुराग को ना ब्रेकफास्ट कराना बहुत मुश्किल होता है. ये खाना खाता ही नहीं है इसीलिए तो इतना कमज़ोर जैसा है. और फिर इसको डांट पड़ रही थी कि खा लो और ये बोल रहा था मुझे खिला दो. मैंने कहा छोटा बच्चा है क्या जो खिलाना पड़ेगा. डांट सुनने के बाद चिड़िया है तू. इतने मोटे मोटे फूल गए. अच्छा नहीं खुद बनाएगा तो खुद आते तो पतले पतले बनाने. तो फ्रेंड फाइनली हम रेडी हो चुके हैं. हम जा रहे हैं रिचोली मंदिर जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और बहुत सारे देवता वहाँ पे आएंगे. नए नए देवता भी आएंगे जिनको हमें देखना है इसलिए हम निकल रहे हैं. बच्चों को नहीं जाना है वहाँ पे क्योंकि मौसम भी खराब है. देवेंद्र को आज नाइट में घर भी निकलना है. इसका घर है चंडीगढ़ तो इसको आज निकलना भी है तो इसलिए इसने रेस्ट करना है आज दिन भर. तो बस इसीलिए ये भी नहीं जा रहा. जब देवेंद्र नहीं जाएगा तो अनुराग का तो हो ही नहीं सकता कि वो जाए. पहले तो बोल रहा मैं जाऊँगा और जब उसको पता चला कि नहीं जा रहा भैया फिर बोलता मैं भी नहीं जाऊँगा. तो बस अभी ये घर पे ही है और हम निकल रहे हैं. हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी जा रहे हैं और सुजाता मिश्रा भी आएगी लेकिन वो थोड़ा लेट आएगी बाद में. तो फटाफट निकलते हैं और चलते हैं. मिलते हैं रास्ते में. ये आपको नमस्ते करना. तो ये आ गए हैं हमारे आज के पार्टनर साथ वाले और हस्बैंड तो भाग गए फटाफट आगे आगे. अब हम भी फटाफट चलते हैं. अभी सुजाता मिश्रा वगैरह भी आएंगे थोड़ी देर में आएंगे. पर वो और महक बड़ी सुंदर लग रही है आज तो है. तो फ्रेंड्स अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता इधर से हम जाएंगे. और ये मेरा बहुत ही पुराना रास्ता है जब मैं स्कूल और कॉलेज का है. वैसे ना स्कूल का तो कम था, कॉलेज का रास्ता है ये वाला. आज बहुत साल बाद इस रास्ते में जाएंगे. भाग रहे हैं आगे आगे. आपने जो दौड़ लगाई है भाई. मैं ऐसे ही चलता हूं मैं तो. हम तो थक जाते हैं. आप भी नहीं तेज चलते हैं. है ना मेरे को थक गए ना. आप भी थके भैया ने लगाई दौड़ बोलना. चलते ऊपर से दूर से पड़ेगा सीढ़ियां चढ़ चढ़ के. ये लोग भी तो जा रहे हैं. थोड़ा बरसात में ये सारा ढह गया था तभी ये खराब रास्ता इधर से है ना. मैकू वो देख तेरी डॉगी तेरे साथ साथ चली है. नहीं है वो ही है. अरे ये आई तो होती है पास. नहीं है वो ये मेरे को तो वैसी लग रही है. ये देखो दोस्तों पहाड़ों के रास्ते. अरे पहाड़ी टप रहे हम तो बहुत बहुत बड़ी पहाड़ी. और अगर गिरेंगे तो ये देखो नीचे खाई में जाएंगे. हाय हाय कितना मुश्किल है यहाँ से चलना. ओह हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है पर पंजाब से या बाहर से लोग जो आते हैं उनके लिए कहाँ जाएंगे ऐसे फिसल जाएंगे गिर जाएंगे ऐसे करते हैं ना वो लोग. तो फ्रेंड चलते चलते हम आ गए हैं रिचोली वाले रोड पे और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं. आगे मैं दिखाती हूँ आपको. वो देखो सामने कितने सारे लोग हैं. यहाँ पे मिल गए हमारी दादी जी हमको. ये रहे हमारी दादी. देखो हमारे यहीं के हैं. हमारे बिल्कुल नए वर्जन में दिखाते हैं आज आपको. थैंक यू. ठीक है मिलेंगे. यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं. यहाँ पे हो रहा है जाइयों का स्वागत. हमारी पहाड़ी भाषा में जाई बोलते हैं लेकिन जाई मतलब ये होता है कि जितना भी गांव देवता के अंडर आते हैं उस गांव की जितनी भी लड़कियां हैं जिसकी शादी कहीं और हुई है मतलब तो उन सभी को हमारे जाई बोलते हैं. तो उनको
देवता अपने घर में मेहमान के रूप में बुलाते हैं, तो उन्हीं के स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था। आज का मेन अट्रैक्शन यही था कि सभी जाइयों का स्वागत किया जाएगा, तो बस यही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था और हम भी बड़े गौर से देख रहे थे कि कौन कौन जाइयाँ हैं। और यहाँ पे ना हमें बहुत सारे लोग मिले, नए नए जो हमारी स्कूल मेट्स थी, कॉलेज मेट्स थे, काफ़ी सारे नए नए लोग देखने को मिले। कुछ लोगों के तो नाम भी याद नहीं आ रहे थे कि ये कौन है क्या है। तो यहाँ पे चल रहा है देखो कार्यक्रम, यहाँ पे सभी जाइयों का स्वागत किया जा रहा है। गांव वाइज जो भी जिस जिस गांव की जो जाइयाँ होंगी वो सब एक साथ आती हैं और उनका स्वागत किया जाता है ऐसे यहाँ पे। तो बस वही तैयारियाँ यहाँ पे चल रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है जाइयों का स्वागत। तो ये है मेरी जेठानी जी जो ग्रीन ग्रीन सूट में है, तो ये भी इन देवता की जाई जी हैं, तो यहाँ पे इनका भी स्वागत किया जा रहा है। और मैंने फिर इनकी वीडियो कैप्चर कर ली, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हम भी पहुँचे हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देवता जी आए हुए थे जाइयों के स्वागत के लिए, लेकिन उन्हें अंदर महायज्ञ के लिए बुलाया गया है, कोई ज़रूरी काम है, इसलिए अब देवता जी जा रहे हैं अंदर की ओर। यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ पे कि चोली के जाक देवता जी विराजमान होते हैं। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, नया बनाया गया है इसे। काफ़ी समय से इसका काम चल रहा था और अब जाकर ये पूर्ण हुआ है। नवरात्रों में इसकी यहाँ पे प्रतिष्ठा की जा रही है मंदिर की, तो उसी का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी सारे देवता यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है तो 13 देवता यहाँ पे आए हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे देवता आए हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम को आगे पूरा करेंगे। आज यहाँ पे जाइयों का स्वागत किया जा रहा है और यज्ञ हो रहा है, और कल जो यहाँ पे होगा शिखर पूजन। का इंतजाम तो यहाँ पे जाएंगे अभी हम। यहाँ हम तो कौन हो गए। एम्बुलेंस आई कहाँ पे? ये रही सुजाता, किस गरीब फोन। ठीक है ठीक है। ये हमारी बड़ी दाई बैठी है, खुद चाय पानी पी लिया, हमारे पूछते नहीं है आप के लिए। मैं यहाँ पे सभी लोग चाय पानी पी रहे हैं, हम भी आ गए हैं चाय पानी पीने के लिए यहाँ पे जहाँ से मिल है। ये रहा व्हाइट हाउस और ये इतनी सुंदर सुंदर फ्लावर है ना यहाँ पे, हम इन फ्लावर्स को देख के आ गए। हमने सोचा कि हम भी इन फ्लावर्स के साथ दो चार फोटो खींच लेते हैं, इतने सुंदर फ्लावर है ना कि क्या बताएं। और सिर्फ गुलाब के फ्लावर है यहाँ पे, इतने सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ये देखो ये देखो वो देखो। तो फ्रेंड जैसे ही हम पकौड़े खा के निकले तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी शुरू हो गया था, क्योंकि दोपहर के 1 बज गया था इसलिए कार्यक्रम जो है शुरू होना था भंडारे का, प्रसाद का। तो हमने सोचा कि हम भी यहीं पे खड़े रहते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोग भी वहीं पे रुके और उसके बाद यहाँ पे जो है भंडारे प्रसाद का कार्यक्रम शुरू। जैसे ही हम भंडारा प्रसाद खा के उठे तो सेकंड शिफ्ट बैठने के लिए इतनी भगदड़ मच गई ना, भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लोगों में मतलब संयम नहीं है लोगों में कि इतनी खुली जगह थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। एक बार में 700-800 लोग जो है भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ रहे थे, लेकिन लोगों में फिर भी होड़ मची हुई थी कि मुझे जगह मिल जाए। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमने खा लिया है और अब हम चल पड़े हैं वापस। ये रहे दीदी, पीछे हमारी एक सवारी कम हो गई, एक सवारी कम हो गई है, पैदल सवारी। 11 नंबर की गाड़ी है हमारी। वैसे तो भी देवता आने हैं, देवता जी कौन से जाक है ना, रोड वाले, दो ड्रक वार वाले, दो ड्रक जाक देवता जी आने हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे शायद, रास्ते में आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग तो निकलते, बारिश भी हो रही है तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। हमने सोचा रास्ते में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे वो हमें, तो
चलते चलते दर्शन कर लेंगे उनके, इसलिए ये गए थे देव प्रसाद जी को देने के लिए। अभी मैं घर पहुंच गई हूं और घर पहुंच कर अब मुझे तैयारियां करनी है देवेंद्र के जी जाने की, तो मुझे बनाने हैं एक दो केक, क्योंकि देवेंद्र को केक लेके जाने हैं, उसको मेरे हाथ के केक बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए उसको लेके जाने हैं अपने साथ। तो मैंने रात को एक बनाया था लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना, अच्छा तो बना है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना, उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए देवेंद्र बोल रहा है कि ये वाला नहीं मैं लेके जाऊँगा, नया बना दो, ये बनाया था मैंने रात को। और हमने इसका कर दिया है काम तमाम, भी खा भी लिया है फिर, तो अभी फटाफट चलते हैं। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे सर? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, बोल तो रहे थे कुछ। कैमरे के आगे तो जवानी बंद हो जाती है इसकी, सीप लड़का बन जाता है। हेलो सर, हेलो तो कर दो सर। कमी हेलो, हाउ आर यू सर? टॉमी बार्क क्या टॉमी बार्क, आप होंगे टॉमी, यू टॉमी बार्क, ये टॉमी टॉमी देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही है अनुराग और उसके पापा की मस्ती, दोनों आपस में एक दूसरे को जोर लगा रहे हैं, पता नहीं। मैंने केक बना दिया है, एक केक मैंने इस डिब्बे में पैक कर दिया है और अनुराग ने थोड़ा सा खा के टेस्ट भी कर लिया है, तो अनुराग को बहुत स्वाद लग रहा है। अनुराग बोल रहा है एक पीस और दे दो, तो थोड़ा सा अनुराग और दे देते है। अब रहने दे भाई, भैया को भी ले आने दो। और ये जो मैंने थोड़ा बनाया है खराब सा, बाकी खरीद देंगे अनुराग को, खराब तो नहीं है ये भी, टेस्टी है अनुराग लेकिन उससे अच्छा है। नहीं, तो फाइनली हमारा ये दूसरा केक भी रेडी हो गया है, ये है चॉकलेट फ्लेवर वाला, तो इसको भी निकालते हैं फटाफट से, थोड़ा गर्म है अभी लेकिन समय नहीं है हमारे पास। ये हैप्पी बर्थडे टू मी, इसमें पैक कर दिया है और ये थोड़े से पीसेस इसमें डाल दिया और खा के भी टेस्ट कर लिया, बहुत ही टेस्टी बना है, यम्मी। बाकी अनुराग से पूछते हैं हमारे कैसा है अनुराग? बहुत टेस्टी केक बना है। टेस्टी तो है लेकिन गर्म है ना, थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दो ऐसे अंदर। ओके, नहीं इसमें भाप बन जाएगी नहीं तो फिर गीला गीला हो जाएगा। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर रखो। फ्रेंड फाइनली पैकिंग शेकिंग हो गई है, ये रहा देवेंद्र का एक बैग और एक बैग है इधर, ये जो इधर है लैपटॉप बैग, क्या करेगा उस टाइम भी ऐसे ले गया ला दिया। अब स्कूटी है ना इसके पास, स्कूटी पे हेलमेट में लगाएगा, वो जो उस लगाने वाला कहां है फिर, वो उसमें लगा हुआ है लगा हुआ बेल्ट। हां मेरे पास अब। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं देवेंद्र को छोड़ने के लिए, चलेंगे अब। अभी देवेंद्र जाएगा अपनी ताई वगैरह दादी वगैरह से मिलने के लिए और फिर उसके बाद निकलेंगे हम। इसमें जो स्टैंड और ये अनुराग मिल लो भैया से, इसी का ही क्या हो रहा है, कर भैया को दो भाइयों का मिलन प्यार से, जफ्फी मार भैया को, जफ्फी मार गले में, भैया को बोल भैया ध्यान रखना अपना, गंदी बातें मत सीखना, ऐसे नहीं कहीं हमारे को भूल के कोई भाभी ढूंढ ली उधर, ढूंढ ली है आपको बताया है भैया ने? बताते नहीं है बस, ढूंढी तो हमने। अच्छा आप ऐसे ही है, शक है, सस्पेंस है। चलो फिर बैग लेके चलो, ताई वगैरह से नहीं मिलना, नहीं चलो दे दादी चलो चल फिर। ठीक फाइनली लुक के अंदर भी आया देवेंद्र से मिलने के लिए, तो दोनों भाई मिल रहे हैं, भाई मिलो भाई, गले मिलो, गले मिलो जरा दोबारा कैमरे के लिए, वैसे तो मिल गए हैं पहले कैमरे के लिए दोबारा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम निकल गए हैं बस स्टैंड के लिए, हल्की हल्की सी बारिश भी होनी शुरू हो गई, मैं तो देवेंद्र को बोल रही थी कि आज यहीं रुक जाओ कल ही चल जाना, लेकिन नहीं देवेंद्र को तो आज जाना ही है क्योंकि इसको कल नहीं परसों अपनी
प्रैक्टिकल की कुछ फाइल्स वगैरह सबमिट करवानी है, तो इसलिए उसको आज निकलना ही निकलना है। और ठीक भी है, अब निकलना भी जरूरी है। बस स्टैंड में पहुंच गए, अब देखते हैं कौन सी बस जा रही है, कब जा रही है। बस का हमने कोई पता चला कुछ किया ही नहीं है, करते हैं पता कब जा रही है बस। ये जा रही है धर्मपुर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड में, 6:30 बजे पहुंच गए हैं। और जो बस जाती थी 7 बजे वो आजकल जा ही नहीं रही है, तो अब जाएगी बस 8:30 बजे। 8:30 बजे की 8 बजे 8:30 बजे जाएगी अब बस। छोड़ो यहाँ 8:30 बजे तक छोड़ना क्यों है, तो क्या छोड़ने हम मारेंगे। घर में तो काम काम ही याद आते रहते, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, है ना, क्यों। तो अभी बस वेट करेंगे अब हम आगे की बस का। फाइनली हमने टिकट ले लिया है बस का, और जैसे ही हमने टिकट ले ली और उसके बाद दूसरी बस आ गई, कौन सी आई, डीलक्स बस आ गई। और इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि डीलक्स बस भी जानी है कोई। अब दूसरी बस की टिकट ली है हमने, अब उसी में जाएगा, देखेंगे, वेट करते हैं, अब देखते हैं थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी बस जा रही है, हमारी बस नहीं, विरेंद्र की बस लग चुकी है, ये वाली बस में जाएगा विरेंद्र अभी। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, टिकट में कोई और ही नंबर लिखा है, हम वेट कर रहे हैं कि वही वाली बस आएगी, लेकिन फिर हमने पूछ लिया कि इतनी देर से बस नहीं आ रही है, तो फिर ये वाली बस आ रही है। बाकी ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, पढ़ना ध्यान से। बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम भी निकल रहे हैं, बस तो चली गई, देवेंद्र भी चला गया, और 8:30 बज गए हैं, और हमने अभी रूबी को खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अब फटाफट से हम भी निकलते हैं और चलते हैं घर फटाफट से। भैया चले गए, बुरा लग रहा है आपको, आज अकेले सोना पड़ेगा बिस्तर में, हैं, दांत हुआ दिखाओ तो, सच में उदास हो गया मेरे बच्चे तो, ओए होए बहुत बुरा लगा, रो रहा है, हे भगवान इतने मोटे आंसू, हे भगवान। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और देवेंद्र की बस भी चली गई है, काफ़ी टाइम लगा बस को जाने में, और उससे पहले जो बस जाती थी वो बस, मतलब उन्होंने बताया ही नहीं हमें कि बीच में एक रिकॉन्गपी डिपो की बस भी आती है, जो कि डिलेक्स बस थी, और उसमें जल्दी भी पहुँच जाता देवेंद्र, तो फिर लेकिन उन्होंने बताया नहीं, और उतने में हमने बस की टिकट ले ली, बीच में दूसरी बस भी आई, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाए हम। तो अभी घर पहुंच गए हैं, अब खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। होप करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये रहा हमारा लल्लू प्रसाद यादव।